हेलो एवरीवन, स्टडी 360 में आप सभी का स्वागत है। यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए कौन सा टीवी चैनल का जो डिबेट है वो अच्छा रहेगा, या कौन सा टीवी चैनल आपको देखना चाहिए? क्योंकि जैसे कि कहा जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है, लेकिन अब कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ पे सबको मीडिया का हर एक चैनल अब एक स्पेशल आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही है, कोई एक स्पेशल पार्टी को सपोर्ट कर रही है। तो अगर दूसरी पार्टी के द्वारा कोई अच्छा काम भी किया जाता है, तो उस चैनल पे अगर जो उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करती, वहाँ पे आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, यानी कि उसके निगेटिव, जो उसके निगेटिव पॉइंट है वो देखने को मिलेगा। तो आपको जो है कौन से टीवी चैनल देखने चाहिए, जिससे कि आपका नॉलेज भी बढ़े और करंट टॉपिक पे आप सोच भी पाए अच्छा से। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप राज्यसभा टीवी का जो डिबेट होता है वो देखें, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं भी एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी एक एस्पिरेंट्स हूँ आपके तरह। तो राज्यसभा टीवी पे जो होता है, वहाँ पे लगभग जो लोग या तो पहले आईएएस ऑफिसर या आईएफएस ऑफिसर रह चुके होते हैं, ठीक है, सेक्रेटरी होते हैं, यानी कि जो अच्छे लेवल के लोग होते हैं, वो लोगों को वहाँ पे बुलाया जाता है, उन लोगों को, और उन लोगों से डिबेट में उन लोगों को पार्टिसिपेट करते हैं। और काफ़ी अच्छा डिबेट रहता है, शांतिपूर्ण। ऐसे नहीं कि आप दूसरे चैनल पर देखें तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ये डिबेट नहीं, एक झगड़ा हो रहा है इन लोगों के बीच में, इस टाइप से डिबेट हो रहा होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है, देखिए क्या होता है कि कभी कभी न्यूज़ देखने के चक्कर में हम लोग कई चैनल को देख लेते हैं, उससे निगेटिविटी हमारे दिमाग में भी भर जाता है। इसीलिए आप इसी चैनल को देखें और